ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसे बता रहे थे निगेटिव सोच से, जिसे कल भी बताया था, अनेक प्रकार की शरीर की बीमारी होती है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, क्यों? ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा ही। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते गुस्सा करने से, अकड़ करके चलने से, इसलिए फ्लेक्सिबल होकर के, नम्रचित होकर के चलो। आज किसी को, किसी का ब्लड प्रेशर हो गया, बीती हुई बातों को याद किया। किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती। दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते, उसे शुगर होती है। जब शुगर होती है तो क्या करते हैं? मीठा खाना छोड़ देते हैं। टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे, मीठा करना छोड़ देंगे। सारी बीमारी का कारण है मानसिक टेंशन। आज किसी को बुखार आता है, जिसको फीलिंग आती है, मुझे पूछा ही नहीं, मेरा बुना फीलिंग की फ्लू। आज किसी को स्पॉन्डाइलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डाइलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, और सबसे खतरनाक बीमारी आजकल ब्रेन हेमरेज। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करते, गर्म होंगे, फिर कहेंगे तुम्हारा बहुत दिन से देख रही हूं, आज मुझे सही नहीं हुआ, गुस्सा किया। चलो कुकर को तो सीटी भी है, नहीं भी बजी, बाजू में सेफ्टी वाल से हवा निकल जाएगी, लेकिन मनुष्य को ना कोई सीटी बनाया भगवान ने, ना कोई सेफ्टी वाल बनाया, गुस्सा करेंगे। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हमरे सब निकल जाए। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं, जिसके अंदर खून सप्लाई होता है, लेकिन जब व्यक्ति कोई मानसिक तनाव में आता है, टेंशन में आता है, उन नसें फट जाती हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए भोलेनाथ परमात्मा ने, वैद्यनाथ ने जगह जगह पर ब्रह्मा कुमारी के सेंटर खोले हैं। ब्रह्मा कुमारी का सेंटर क्या है? एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा यहां लोगों की लाइन लगेगी, इसलिए बाबा बड़े बड़े सेंटर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन को ठीक करने वाला कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है। किसी को टेंशन से बीमारी होती है, वो दवाई देता है, दवाई देने से वहां से दब जाएंगी, कहीं और से निकलेगी।
वहां से तो दब जाएंगी, कहीं और से निकलेगी। इसलिए परमात्मा, ये मुरलियां क्या है? मुरली है टैबलेट्स, जो हुआ अच्छा हुआ, नथिंग न्यू, एक एक पॉइंट, और इस पॉइंट से कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए मन को ठीक करो, जिसका मन ठीक है उसका तन भी ठीक है। इसलिए समस्या का चिंतन नहीं करो, समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। जो कारणों का निवारण करता है, समस्या का समाधान करता है, उसके पास एक शक्ति आती है, वो शक्ति है सहन शक्ति। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छा है। इसलिए कारणों का निवारण, समस्याओं का समाधान।